अस्सलामुअलैकुम। तो सीन ये है यार कि क्लास पार्टी भी है और फिजियोलॉजी का टेस्ट भी है उसी दिन, तो हम फिजियोलॉजी के टेस्ट की कैसी तैयारी कर रहे थे ये आप खुद ही देखें। सो हियर यू गो गाइस, मीट द हॉटेस्ट कपल ऑफ आवर कॉलेज, कमली एंड पप्पू, जिनकी डेट हमारे रूम में सेटअप हुई हुई थी। जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ, अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको नींद जैसे पहली बार टूटी है। टेस्ट तो बस दे ही दिया, अब चलते हैं क्लास पार्टी में। जब रोटी खुली तो हम भी सबकी तरह खाने पर टूट पड़े। यार अभी वीडियो के लिए थोड़ा थोड़ा डालते हैं, बाद में प्लेटें भर लेंगे। सारा फंक्शन तो हम वेटर की मिन्नतें करते रहे कि हमें कोल्ड ड्रिंक ला दे, लेकिन हमें कोल्ड ड्रिंक नसीब ना हुई। नेक्स्ट सेगमेंट है गेम्स का। और ये हमारी क्लास के कुछ वो नौजवान जो क्लास में तो नहीं मगर क्लास पार्टी में बड़ा बोल रहे हैं। कभी आग लब पे मचल गई, कभी अश्क आँख से ढल गए, कभी आह लब पे मचल गई, कभी अश्क आँख से ढल गए, ये तुम्हारे गम के चराग हैं, कभी जल गए कभी बुझ गए, मुझे सहल हो गई मंजिले वो हवा के रुख भी बदल गए, मुझे सहल हो गई मंजिले वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ से आ लगा कि चराग रंग के जल गए। इन्होंने तो गाना गा के महफिल को चार चांद लगा दी। और इन्होंने तो शायरी के साथ हमें तशरीह भी करवा दी थी। सिर्फ एक फूल के वाड़ों में खुला करता कौन काफिर, कौन काफिर तुझे इल्जाम तगाफुल देगा, कौन काफिर तुझे इल्जाम तगाफुल देगा, जो भी करता है मोहब्बत से गिला करता। लोग कहते हैं जिसे दी कमल वो तो थी,
कमल फूल लोग कहते हैं जिसे नील कमल वो तो कटील सबको उन झील सी आंखों में खिला गया। और हमसे ज़्यादा तो ये चार जुड़वा बहनें हमारा फंक्शन एंजॉय कर रही थी। और ये हमारे क्लास फेलोज ने शुगर का एक नया तरीका इजाद किया था। लड़कियां हो और विंडो शॉपिंग ना हो तो चलें आप भी थोड़े से हमारी विंडो शॉपिंग के मजे ले लें। एक प्रो टिप है कि अगर आपके पास बैग नहीं है तो आप अपना ज़रूरी सामान गमले में छुपा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई चोर हाथ नहीं मारता ना। और ये हम अपनी 5-स्टार सवारी में वापस जाते हैं। एनीवेज अब रमज़ान शुरू हो गया है तो आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हॉस्टल में बहुत अच्छी रूटीन होती है रमज़ान की, और नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको हमारे रमज़ान रूटीन का पता चलेगा।